Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1,000,000 likes, so please sarapakara. तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे आप सब। तो भाई आज की वीडियो में अपन दो चीज़ें देखेंगे यार। मैं आपको एक तो सिक्स फिंगर क्लो दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं खुद ही फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, और एक आपको मैं ड्रिल्स करके दिखाने वाला हूँ, जो काफ़ी बंदे मुझसे पूछते हैं कि भाई यार प्रैक्टिस कैसे करनी है ड्रिल्स वगैरह। तो भाई वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसमें आपका ये कोई मैटर नहीं रहेगा कि आप कितना फिंगर खेलते हो भाई, 2 फिंगर 3 फिंगर 4 फिंगर सबके लिए सेम ही रहेगा वो ड्रिल्स प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, मैं खुद भी सिक्स फिंगर फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो मेरा एम इतना परफेक्ट नहीं रहेगा, तो भाई आप समझ लेना थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रिल्स भी दिखाता रहूँगा और हैंड कैम का गेम प्ले भी दिखाता रहूँगा, तो भाई एंटरटेन रहेगा थोड़ा अपना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ड्रिल्स। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी पहली ड्रिल्स, जो कि यार देखो देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर भाई ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है एम ट्रांसफरिंग करने के लिए भाई, इसलिए मैं ये ड्रिल्स आपको दिखा रहा हूँ, जो कि यार अपन फटाफट से एम ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होती है इसमें। तो भाई ये छोटी छोटी ड्रिल्स अगर आप करोगे भाई 10-15 मिनट भी दिन में, तो भाई आपका एम बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रांसफरिंग करते टाइम कोई मिस नहीं होगा एम एक। तो फ्रेंड्स चलो अब मैं सेकेंड ड्रिल्स दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये वाली ड्रिल्स भी बहुत अच्छी है और भाई बहुत ही काम आएगी आपके, क्योंकि भाई अगर जब भी आप किसी एनिमी को मार रहे हो भाई और पिक लेफ्ट राइट पिक पाक लोगे, तो भाई आपके ही फायदा उसमें, क्योंकि देखो फ्रेंड्स उसमें आपके अगर कोई सामने से बंदा आप पे फायर दे रहा होगा, तो भाई वो आपका हेड ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपन लेफ्ट राइट पिक लेते रहेंगे तो भाई हेड कनेक्ट नहीं होंगे उसके सामने वाले के ज़्यादा। तो भाई ये भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए लेफ्ट राइट पिक पाक से, भाई काफ़ी एडवांटेज देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स चलिए अब आपको एक और नेक्स्ट ड्रिल्स दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो भाई ये वाली ड्रिल्स भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और भाई मैं खुद ही इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि भाई देखो यार सबसे मेन रहता है कवर में रह के फायरिंग देना, क्योंकि भाई अब पता है आपको कि अपन अगर लेफ्ट राइट से भाई पिक लेंगे तो भाई कहीं ना कहीं से हेडशॉट पड़ता ही है। तो फ्रेंड्स इसमें ये बेस्ट रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा कवर से निकल के मारते रहो, थोड़ा थोड़ा फायरिंग देते रहो भाई, इनडायरेक्ट डायरेक्टली मारने की करोगे तो भाई आपको नॉक कर ही देंगे, अच्छे बंदे होंगे सामने। तो भाई इस ड्रिल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए यार, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है इसमें भी। तो चलिए अब एक और नेक्स्ट ड्रिल्स दिखा देता हूँ अब आपको। तो फ्रेंड्स इस वाली ड्रिल्स में मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ बताई है कि आपको FPP स्विच करके खेलना चाहिए कभी कभी भाई। देखो FPP का बहुत एडवांटेज रहता है, और भाई काफ़ी बंदे यूज़ नहीं करते मुझे, लेकिन फ्रेंड्स जो यूज़ करता है FPP उसे ही पता है कितना एडवांटेज रहता है भाई, फटाफट से बंदा स्पॉट हो जाता है और मार भी सकते हैं जल्दी से।
अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो भाई डायरेक्ट ही मत करना यार, पहले प्रैक्टिस कर सकते हो आप आराम से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके एफपीपी में खेल के। भाई एम वगैरह आपका परफेक्ट होना चाहिए एफपीपी में, क्योंकि भाई थोड़ा सा अलग लगने लगता है गेम एफपीपी करने के बाद में, तो भाई हल्की बहुत प्रैक्टिस तो होनी चाहिए यार। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करा करो भाई, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट ही प्रैक्टिस करो किसी भी ड्रिल्स पे, तो भाई आपका एम इम्प्रूव होता रहेगा टाइम और टाइम। एफपीपी स्विच करके आप अच्छे खासे रिफ्लेक्स भी दे सकते हो भाई, तो यार यही एडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप वीडियो वगैरह बनाते हो तो काफ़ी कूल लगता है एफपीपी स्विच करके अगर अपन किसी को मारते हैं तो भाई यही सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छे खासे रिफ्लेक्स देने हैं तो भाई ये एम ट्रांसफर वाली ड्रिल्स आपके लिए बहुत अच्छी तो रहेगी। इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि भाई पूरा लेफ्ट से राइट ले जाना पड़ता है जायरों को। तो भाई देख सकते हो आप यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ईजी रहेगा यार। आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट बड़े रिफ्लेक्स दे रहे हो भाई, पहले छोटे छोटे रिफ्लेक्स ट्राई करो, उसके बाद आप बड़े रिफ्लेक्स ऑटोमेटिकली देना सीख जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ड्रिल्स देख लेते हैं अपन। तो देखो फ्रेंड्स एफपीपी में बहुत सारी ड्रिल्स है जो कि आप देखो ड्रॉप शॉट लेते टाइम कर सकते हो, और भाई सीधा सामने भागते भागते एफपीपी करके मार सकते हो। तो भाई इस तरह की चीज़ें भी आपको ध्यान में रख के यार प्रैक्टिस करनी है। और लेफ्ट राइट भागते हुए एफपीपी स्विच करके ड्रॉप शॉट लेना वगैरह सब, इतना फास्ट रिफ्लेक्सेस आपको करने हैं तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप ट्रेनिंग ग्राउंड में बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको ईजी पड़ेगा फिर बाद में आपका हाथ जब जम जाएगा तो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको नेक्स्ट ड्रिल्स दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप एकेएम वगैरह में 6x चलाते हो तो भाई ये ड्रिल्स आपके बहुत काम आएगी। इससे ये एडवांटेज रहता है कि अपन अगर लेफ्ट राइट पिक लेते रहेंगे तो भाई रिकॉइल ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो भाई आप आराम से एकेएम में भी 6x चला सकते हो यार। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, और भाई आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट भी कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। आपको कुछ भी पर्सनली बात करनी फ़ोन के थ्रू या गेम के थ्रू कुछ भी, तो भाई आप आराम से मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और फ्रेंड्स जो मैंने ड्रिल्स बताई आप यार उस पर अगर अच्छा खासा अगर खेलना चाहते हो तो भाई आराम से प्रैक्टिस करो डेली, 10 मिनट भी सारी ड्रिल्स करोगे 2-2 मिनट तो भी बहुत है भाई। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।